आगे आप सभी लोग। यस मैम। हाँ जी। गुड मॉर्निंग मैडम। आज मैं जो आपको बताने जा रही हूँ वह यह है कि ये खाता जो 50,000 से कम के निवल मासिक वेतन पाने वाले वेतन भोगियों के लिए है। इस वेतन सीमा वाले व्यक्ति ऐसे उत्कृष्ट खाते के लिए आवेदन कर सकते हैं। हम इसे श्रेणी क्लासिक खाता कहते हैं जो आपके सपनों का एक नई उड़ान देता है। बैंक ऑफ बड़ौदा में अपना श्रेणी खाता खोलें और विविध लाभ वेतन खाते का उठाएं। सुपर टॉमी, तुम कुछ पूछना चाहते हो? मैम, बड़ौदा बैंक क्लासिक खाते की क्या विशेषता है? अच्छा सुपरमैन, क्लासिक खाते की विशेषताएं बताती हूँ। सबसे पहले नंबर एक, ओवरड्राफ्ट सुविधा, अधिकतम रुपये 50,000 रुपये मिल सकती है। नंबर दो, लॉकर सुविधा, डीमैट डेबिट कार्ड और नवीनीकरण शुल्क, प्रीपेड कार्ड के नवीनीकरण शुल्क और जारी करने के शुल्क में भी छूट मिलती है। नंबर तीन, RTGS, NEFT, IMPS से निःशुल्क धन प्रेषण सुविधा भी मिलती है और रिटेल ऋण पर प्रोसेसिंग शुल्क में भी छूट मिलती है। DD और BC जारी करने का भी जो शुल्क अन्य बैंकों को लिया जाता है उससे भी छूट मिलती है। रुपये 25,000 माह की न्यूनतम आय के पात्र मानदंड और वेतन खाते से कार्ड पर न्यूनतम देय राशि को नामे हेतु ऑटो डेबिट मेन डेट पर हस्ताक्षर करके जमा करने निःशुल्क इजी वेरिएंट क्रेडिट कार्ड भी उपलब्ध है। सबसे बड़ी खासियत, रुपये 15,00,000 का अतिरिक्त हवाई दुर्घटना बीमा और रुपये 5,00,000 का अन्य दुर्घटना बीमा कवर क्रेडिट कार्ड से संबंधित बीमा है। डेबिट कार्ड वेरिएंट और वार्षिक शुल्क क्या है? तो पहले नंबर पे, पहले एक वर्ष के लिए निःशुल्क रुपये क्लासिक डेबिट कार्ड, उसके बाद में 150 रुपये प्लस लागू कर प्रतिवर्ष की दर से देना होगा अगर आपको नया बनवाना है तो, और पुराने पर भी यही प्रभाव रहेगा। दैनिक नकदी का आहरण सीमा 25,000 रुपये और ऑनलाइन खरीद की सीमा इसमें 50,000 रुपये मिलती है। रुपये 1,00,000 का इनविटी दुर्घटना बीमा भी इसमें मिलता है। डेबिट कार्ड से संबंधित आकर्षक ऑफर और भी हैं। स्टील मैन, आप भी कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैडम जी, वेतन जो है उसकी पात्रता क्या होगी? कर्मचारी के कितने रुपए तक वेतन पाने वाले को क्लासिक खाते में शामिल किया जा सकता है? हाँ, अच्छा सवाल है स्टील मैन। इसमें 50,000 से कम का निवल मासिक वेतन एवं न्यूनतम वेतन क्रेडिट रुपये 10,000 प्रत्येक माह खाते में आने चाहिए और इसकी पात्रता जो होगी वह आवेदक की आयु कम से कम वर्ष 18 और इससे अधिक होनी चाहिए। अच्छा मैडम जी, बहुत अच्छी बात है। जीनू, तुम भी कुछ पूछना चाह रही हो, पूछ लो। मैडम जी, इनबिल्ट और ओवरड्राफ्ट सुविधा क्या है और ये कैसे मिलती है? हाँ जीनू, मैं बताती हूँ। इसमें 3 वेतन जमा होने के बाद तत्काल उपलब्ध है, यानी कि बैंक अकाउंट में रेगुलर 3 वेतन सैलरी जमा होनी चाहिए और जमा हुए पिछले 3 माह के वेतन के समान ओवरड्राफ्ट की राशि को 1,000 के रूप में माना जाएगा। इसमें अधिकतम ओवरड्राफ्ट राशि जो मिलेगी वो 50,000 रुपये तक मिल सकती है और बेजमानती ओवरड्राफ्ट है। ओवरड्राफ्ट की सुविधा लेने के लिए 60 दिनों के अंदर ओवरड्राफ्ट को समग्र रूप से समायोजित किया जाएगा, यानी कि जो बैंक आपको ओवरड्राफ्ट के रूप में जितने पैसे देगा उसे आपको 60 दिनों के अंदर जमा करानी है। मैडम ठीक है मैडम जी, इसमें डीडी और बैंक चेक कर कितने बना सकते हैं एक महीने में? सुपरमैन, इसमें व्यक्ति उपयोग के लिए केवल 3 डीडी और बीसी प्रति तिमाही और अधिकतम राशि जिसकी 1,00,000 प्रति तिमाही के हिसाब से बना सकते हैं जो निःशुल्क होंगे। किसी प्रकार का बनाने का खर्च उन पे लागू नहीं होगा। मैडम जी,
डेबिट कार्ड के बारे में बताओ, डेबिट कार्ड क्या है और कैसे काम करता है, उससे कितनी निकासी कर सकते हैं और कितनी खरीदारी कर सकते हैं। सुपरमैन, पहले एक महीने के लिए निःशुल्क रुपए क्लासिक डेबिट कार्ड मिलेगा। 10-50 सामान्य प्रभाव इस पे लगाए जाएंगे। दैनिक नकदी निकालने की सीमा 25,000 रुपये और ऑनलाइन खरीदने की सीमा इसमें 50,000 रुपये तक है। मैडम जी, पर्सनल लोन पर इसमें कितनी छूट मिलेगी और कैसे मिलेगी? पर्सनल लोन पर 3 प्रकार की सुविधा देते हैं। पहली सुविधा है गृह ऋण, वाहन ऋण, शिक्षा ऋण और बंधक पत्र ऋण के लिए प्रोसेसिंग शुल्क में भी जो 25% छूट है। पर्सनल लोन के प्रोसेसिंग में इसमें 100% छूट मिलती है। और बंधक के रूप में रखने के लिए आउट ऑफ पॉकेट वे विधि मूल्य आदि के रूप में 7,500 प्रति संपत्ति वसूल के अधीन है। और रिटेल ऋण आधारित मॉर्गेज का पर लागू। मैडम जी, वाहन ऋण लेने के क्या ब्याज दर में छूट मिलेगी? हाँ स्टीलमैन, ऐसे कर्मचारियों के लिए जिन्होंने आवास ऋण लिया हो और वाहन ऋण पर लागू ब्याज दर में 0.25% की छूट मिल सकती है। मैडम जी, लॉकर प्रभार पर क्या छूट मिलेगी? लॉकर किराए में क्या छूट मिलेगी? हाँ जीनू, लॉकर किराए में 5% तक की छूट मिलती है। और भी लाभ जो है तक खोलने के लिए अलग से दस्तावेजों की जरूरत पड़ेगी। विशेष समय पर सुविधा उपलब्ध है। तीसरी, गिफ्ट ट्रेवल कार्ड के लिए जारी शुल्क पर 25% की छूट भी मिलती है। और 225 प्लस सेवाओं के साथ वॉव वर्ल्ड मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन की भी इसमें सुविधा मिलती है। हाँ जी, ठीक है मैडम जी। एक पासपोर्ट साइज फोटो सहित ड्राइविंग लाइसेंस, आधार नंबर होने का प्रमाण, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी मतदाता पहचान पत्र, राज्य सरकार के पदाधिकारियों द्वारा विधिवत हस्ताक्षर, नरेगा द्वारा जारी जॉब कार्ड, राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर द्वारा जारी पत्र जिसमें नाम और पता का विवरण हो। ठीक है मैडम जी। मैडम जी, जो अभी आपने बताया इनमें से अगर किसी के पास कोई भी डॉक्यूमेंट प्रमाण पत्र नहीं हो तो कैसे और क्या किससे खाता खोल सकते हैं? जो पहले बताया इनमें से अगर कोई भी डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है तो किसी भी ऐसे सेवा प्रदाता का उपयोग बिल अर्थात बिजली, टेलीफोन, पोस्टपेड मोबाइल फोन, पाइप, गैस, पानी का बिल 2 महीने से अधिक पुराना नहीं होना चाहिए, संपत्ति या नगरपालिका द्वारा दी गई रसीदें, सरकारी विभागों या सार्वजनिक क्षेत्र के उपकरणों द्वारा सेवानिवृत्त कर्मचारियों को जारी पेंशन या परिवार पेंशन भुगतान आदेश PPO जिसको कहते हैं, यदि इसमें पता दर्शाया गया हो, राज्य सरकार, केंद्र सरकार के विभागों, वैधानिक या नियामक नियमों और सार्वजनिक क्षेत्र में उपयोग अनुसूचित वाणिज्य बैंकों, वित्तीय संस्थानों, सूचीबद्ध कंपनियों द्वारा जारी आवास का आवंटन पत्र, इसी प्रकार आधिकारिक आवास आवंटन करने वाले ऐसे नियोक्ता का साथ लीव एवं लाइसेंस एग्रीमेंट भी चलेगा। मैडम जी, बड़ौदा वेतन क्लासिक खाते की पात्रता क्या है? जिन्हों इसके लिए वेतनमान रुपये 50,000 से कम का शुद्ध मासिक वेतन और उपयोग में जो शुरुआती स्तर पर जो ट्रेनिंग में है, ट्रेनिंग ले रहे हैं, प्रशिक्षण ले रहे हैं, वो भी इसके लिए खाता खुला सकते हैं। आप सभी को और अधिक जानकारी चाहिए तो आपको सहायता के लिए टोल फ्री नंबर है 1-800-258-4455 और दूसरा नंबर है 1-800-102-4455। आज आपको बड़ौदा बैंक में सैलरी खाते का जो प्रकार है तो प्रथम प्रकार था क्लासिक सैलरी खाता जिसके बारे में मैंने आपको जानकारी दी।
तो आप सभी ने इस जानकारी को बड़े ध्यान से सुना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में ऐसी रोचक एवं महत्वपूर्ण जानकारी के साथ में। जब तक के लिए आज क्लास को, मीटिंग को आज का क्लास का पीरियड पूरा हुआ। मिलते हैं अगले वीडियो में जिसमें रोचक जानकारी और सही जानकारी मिलेगी। हमारे द्वारा सभी तथ्यात्मक सत्यता के आधार पर ये जानकारी आपको दी जाएगी।